मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्द तराशे। श्री धनपत राय, जिन्हें नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कर्मस्थली भी गोरखपुर ही थी। यहाँ उन्होंने कई कालजी उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। रघुपति सहाय जी, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रख्यात है, का शायरी के क्षेत्र में योगदान अमूल्य है। भारतवर्ष के महाकाव्यों एवं साहित्य का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। गीता प्रेस ने उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ कल्याण पत्रिका को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। कल्याण पत्रिका के आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 1600 पुस्तकों का प्रकाशन मुद्रण गीता प्रेस में आज भी होता है। श्री जय दयाल गोविंदा जी और श्री घनश्याम दास जलान जी द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय संस्था आज हमारी धरोहर है। Nice.
चीन भारत का अद्भुत मेल है और इसे प्रकृति से वरदान मिला।